वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आई विपिन अरोड़ा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। दिस इज द पार्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखो, क्लास ट्वेल्थ का ही टॉपिक है। देखिए, थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के अंदर हम लोग स्टडी क्या करेंगे, मेजर पॉइंट देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। जैसे देखो, द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय यूजिंग पार्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो इस बात को हम समझते हैं, क्या बात क्लियर की गई है यहाँ पे। देखो, मेजोरिटी में द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय यूजिंग पार्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी प्रिडिक्टिव बाय सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो किसी भी ऑक्साइड को, जैसे मेटल का ऑक्साइड है या कार्बन का मोनोऑक्साइड है, इसमें से हमें मेटल को गेट करना है, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर क्या करने पड़ेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो कभी भी मेटल के लिए अगर हम बात करें, जैसे मेटल को अगर हम करते हैं तो मेटल प्लस में CO अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, मेटल प्लस में CO2। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कि क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि भाई किस तरह से हम रिड्यूसिंग एजेंट या थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करेंगे मेटलर्जी के अंदर। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मेजर बात आती है हमारे पास थर्मोडाइनेमिकली, अगर हमें कोई भी बात करनी है तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे यहाँ पे, लेट, जैसे हमारे पास डेल्टा जी किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर हम लोग इलिंगम के ग्राफ को चेक करेंगे। इलिंगम एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक ये ग्राफिकल पैटर्न ड्रॉ किया था डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में, और एक एग्जैक्ट डाटा दिया था कि कौन किसका रिडक्शन कर सकता है और कौन किसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर जीरो होगा तो कंडीशन क्या आएगी, इक्विलिब्रियम। क्या आएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर हम किस तरह से एग्जांपल्स ले सकते हैं और किस तरह से हम लोग डेल्टा जी को प्रूफ करके देखेंगे। देखो, तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, मान लो डेल्टा जी इज इक्वल टू द डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, ट्वाइस ऑफ मेटल प्लस में O2 गिव द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, O2 इन गैसियस स्टेट, और मेटल इन जनरली सॉलिड स्टेट। ठीक है, और जितना भी ऑक्साइड है, मतलब इसका कंबशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंबशन। तो कंबशन के केस में डेल्टा एच जनरली क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो, डेल्टा एच तो हमारे पास नेगेटिव आ गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस होती है बेटा एंट्रोपी। क्या है ये, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। आप देखो कि प्रोडक्ट
जी हमारे पास क्या है, ये वाला कंपोनेंट, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। क्या है ये? रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो आप देखो कि प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा है या रिएक्टेंट के अंदर, तो रिएक्टेंट में ज़्यादा है। तो आपने ये देखा कि प्रोडक्ट माइनस में अगर रिएक्टेंट करते हैं तो रैंडमनेस कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर गैसियस के अंदर रैंडमनेस क्या होती है? ज़्यादा, और सॉलिड में रैंडमनेस क्या होती है? कम। तो ओवरऑल रैंडमनेस क्या हुई है? डिक्रीज। तो डिक्रीज हुई है, तो डेल्टा एस का साइन क्या आ गया? माइनस। क्या आया? माइनस। अब हम नेक्स्ट बात क्या करेंगे? देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू द डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच का साइन क्या आया? माइनस। टेम्परेचर हम एस एस रख लेते हैं, और इसका साइन क्या आया हमारे पास? माइनस आया, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि अगर यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो, माइनस और माइनस, ये वाला माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है। रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू द माइनस ऑफ डेल्टा एच, और प्लस का क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। तो आप एक बात देखो कि अगर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा? कम, तो माइनस का साइन क्या होगा? ज़्यादा आएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होगा तो पॉजिटिव साइन कम हो जाएगा, और पॉजिटिव साइन कम होगा तो माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। तो आपने एक कंक्लूजन निकाला इस वाले क्वेश्चन में कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। अगर इस रिएक्शन को आपको क्या दिखाना है? स्पॉन्टेनियस। क्या दिखाना है? स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर क्या चाहिए? लो। तो लो टेम्परेचर के लिए इसे स्पॉन्टेनियस दिखाना है। अब क्या करें? को देखो, जितने भी लो टेम्परेचर होंगे ना, जितना भी लो टेम्परेचर होगा, तो लो टेम्परेचर, जितना आप लो टेम्परेचर लेके जाते जाओगे ना, रिएक्शन उतनी ही क्या होती जाएगी? स्पॉन्टेनियस होती चली जाएगी। किस केस में? मेटल के केस में। तो पहला रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास एक्चुअल में क्या होने वाला है कि डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव मतलब डेल्टा जी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कब होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए एक बार नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया मेटल को लेकर के, अब हम लोग यूज़ करेंगे कार्बन। तो कार्बन के बिहाफ पे क्या क्या चीज़ें चेंजमेंट होने वाली है वो देखिए, फिर हम कंपेयर करेंगे इस ग्राफ के साथ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने ट्वाइस ऑफ कार्बन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस में ओ टू, ट्वाइस ऑफ सी ओ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट ये क्या हमारे पास? सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू द डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा जी कंबशन रिएक्शन है, डेल्टा एच क्या होगा? माइनस होगा। टेम्परेचर की अभी हम बात करेंगे, उस वाले में ध्यान रखना, उस वाले में आपने क्या किया था? लो टेम्परेचर। क्या किया था? लो टेम्परेचर, ठीक है। और डेल्टा एस यहाँ पर क्या आएगा? देखो, डेल्टा एस यहाँ पर आएगा, भाई प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल हैं? टू, और रिएक्टेंट में कितने हैं? गैस के वन, तो टू माइनस वन, रिजल्टेंट क्या आया? वन। तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। अब देखो, हमें यह रिजल्टेंट माइनस साइन चाहिए। क्या चाहिए? माइनस साइन। तो आप यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेम्परेचर, जैसे टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस जो पूरा का पूरा है, वो एक तरह से क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो माइनस साइन क्या होने वाला है? इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि किसी भी चीज़ को, जैसे माइनस का टू है इनटू में माइनस का फोर है, तो क्या होगा? माइनस का आपके पास एट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको जोड़ा थोड़ना है, इसको माइनस इनटू में किया है ना, तो इनटू में हमेशा क्या होगा? साइन माइनस ही रहेगा, बट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा जी हमारे पास क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल्टा जी क्या होगा? माइनस। क्या होगा इस केस में? माइनस। तो आप इसको ग्राफ से कंपेयर कर सकते हो। देखो कहाँ पर है ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ है एक तरह से, ये वाला, ठीक है, ये ग्राफ है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें? जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी ये है, तो डेल्टा जी हमारे पास, जब हम नीचे की बात करते, देखो ऊपर देखो माइनस का हंड्रेड है, कितना है हमारे पास? देखो माइनस हंड्रेड, माइनस टू हंड्रेड। तो जब हम बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो माइनस का डेल्टा जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो
तो अगर देखो, अब इससे हमने कंपेयर किया कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो डेल्टा जी का माइनस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब कि ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, क्या आएगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ से ग्राफ क्या आया हमारे पास, डाउनवर्ड ग्राफ आया। और मेटल के लिए आप देख रहे थे ग्राफ क्या आ रहा था, अपवर्ड आ रहा था, क्या आ रहा था, अपवर्ड, क्योंकि सीधी सी कंडीशन है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा ये बात, पहले एक बार तीसरा केस ले लेते हैं, फिर रिपीट करेंगे इसी बात को। देखिए एक बार थर्ड केस, तो थर्ड केस हमारे पास क्या है, देखिए थर्ड केस के अंदर हम लोग लेंगे कार्बन प्लस में ओ टू, और यहाँ हुआ हमारे पास सी ओ टू। ये हमारे पास सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी क्या हमारे पास गैस है। यहाँ पर आप देख रहे हो डेल्टा एस तो जीरो ही हो गया, क्योंकि जितने रिएक्टेंट में गैसियस मॉलिक्यूल है उतने ही प्रोडक्ट में है, तो रिजल्टेंट डेल्टा एस क्या हो गया, जीरो। हर कंबर्शन रिएक्शन में मोस्टली हम लोग क्या साइन लेंगे, नेगेटिव। एंथालपी क्या होगी, माइनस। अब डेल्टा जी बेटा किसके बराबर होगा, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच क्या आया, माइनस टी, और यहाँ पर क्या हो गया, ये जीरो। समझ में आ रही बात, तो आप ये देख रहे हो अगर माइनस का ही जीरो ही हो गया, तो ये वाला डेल्टा जी तो माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस। टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही नहीं किया, जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से डेल्टा जी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ है इसका, ये जा रहा, देखो। तो आप क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन ग्राफ क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंटली कांस्टेंट ग्राफ जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अगर कांस्टेंट ग्राफ जनरेट होगा तो इट मीन्स यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा किसका, टेम्परेचर का, लिटिल बिट इफेक्ट शो कर रहा है ये, ठीक है। अब मैं तीन चीज़ों पर बस दोबारा से बात कर लेता हूँ, मैंने यहाँ तीन चीज़ें डिस्कस करी हैं, उन तीनों के बारे में बस दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने डिस्कस किया मेटल के बारे में, किसके बारे में, मेटल के बारे में। तो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। मेटल सॉलिड था, ये ओ टू गैस थी हमारे पास, और ट्वाइस ऑफ एमओ ये क्या था, सॉलिड था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सॉलिड था, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले केस में, तो ट्वाइस ऑफ कार्बन था, ओ टू था, और ट्वाइस ऑफ सी ओ है, ठीक है। और थर्ड वाले केस में सी प्लस में ओ टू प्लस में सी ओ टू। मैंने तीन केस के ऊपर बात करी है, और तीनों केस में अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा। फर्स्ट केस पे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डेल्टा जी, डेल्टा जी माइनस कब होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा। क्या होगा, टेम्परेचर डाउन। तो जितने भी मेटल आप देखो, जितने भी मेटल हैं, टेम्परेचर अगर डाउन है ना भाई, कम टेम्परेचर है, क्या है, कम। तो कम टेम्परेचर पे तो इनके साइन देखो, डेल्टा जी क्या है, माइनस में ज़्यादा है, क्योंकि ये डेल्टा जी है और ये टेम्परेचर है, नीचे माइनस है, ऊपर क्या है, प्लस है डेल्टा जी। और टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, जीरो से लेकर 2000 केल्विन तक। तो आपने देखा कि जितने भी मेटल वाले हैं, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे एल्युमिनियम हो, कोई भी मेटल हो, सभी मेटल के जो ग्राफ हैं लो टेम्परेचर के ऊपर देखो, डेल्टा जी ज़्यादा मिलेगा। अगर डेल्टा जी इनका ज़्यादा है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे। देखो तो इनका टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये ग्राफ कहाँ जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ जाएंगे ये, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास कार्बन प्लस में ओ टू सी ओ बनेगा। तो इसमें मैंने बताया कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव लाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़। तो आप देखो इस वाले केस में क्या दिखा रखा है, तो यहाँ पर जो सी प्लस में ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला टू सी प्लस में ओ टू सी ओ, तो ग्राफ कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड ग्राफ आ रहा है ना। तो डाउनवर्ड ग्राफ क्यों आ रहा है इसका, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा जी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी का माइनस साइन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ग्राफ से कंपेयर करते जाओ, होता जाएगा। नेक्स्ट वाले में मैंने बताया, प्रीवियस देखना इसमें, तो मैंने बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम हो रहा है इसके ऊपर। तो इस पे इसका ग्राफ क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंटली कांस्टेंट ग्राफ एक जनरेट होगा। तो ये हमारे पास क्या था, इलिंगम डायग्राम की कुछ मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस ग्राफ के थ्रू क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखो। तो देखो काफ़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें,
जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया सिंपल सा, ये देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, ठीक है, ए से। आप देख रहे हो जो ए लाइन है, ए लाइन से पहले तो कुछ इस तरह का डाटा बन रहा है, ठीक है, और ए के बाद कुछ इस तरह का डाटा बन रहा है। तो ऊपर वाला हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम है, नीचे वाला हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। बट इन दोनों में से जो ए से पहले, अगर ए पॉइंट से पहले की बात करूं, मतलब हम मैं बोल दूं लगभग लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से पहले की अगर मैं बात करूं, तो कौन सा जो है वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि मैग्नीशियम का डेल्टा जी क्या है, ज़्यादा नेगेटिव है। तो ज़्यादा नेगेटिव है तो मैग्नीशियम क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। तो इन दोनों से बात एक क्लियर हुई, अगर दोनों के दोनों एक साथ बैठे हैं तो ऑक्सीजन को कौन रिएक्ट करवाएगा, या ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ही रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्शन ज़्यादा क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी पे ही, देखो लेट हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे Al2O3 प्लस में मैग्नीशियम, क्या रिएक्शन हो जाएगी, यस डेफिनेटली रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर थ्री मॉलिक्यूल लेकर के और ट्वाइस ऑफ एल्युमिनियम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है कि अच्छी एफिनिटी रखता है किसको, ऑक्सीजन को लेने के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम की डेल्टा जी क्या है, ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ से इजीली मैग्नीशियम किसको एडोप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन को। बट अपोजिट पॉसिबल है, नहीं अपोजिट पॉसिबल नहीं है। तो आपको याद करने का एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, नीचे वाली जो लाइन होती है ना, नीचे वाली जो लाइन होती है वो ऊपर वाली लाइन का क्या करेगी, रिडक्शन करेगी, क्या करेगी, रिडक्शन। नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन का क्या करेगी, रिडक्शन। तो ये बात आपके अगर क्लियर हो गई हो तो देखो मैं आगे कॉन्सेप्ट कर लेता हूँ काफ़ी क्वेश्चनों के साथ। देखिए अब मैंने ले लिया, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ये आयरन की लाइन है और ये हमारे पास मान लो जिंक की लाइन है, किसकी है, ये जिंक की। तो मैंने पूछा कि क्या जिंक आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकता है, यस डेफिनेटली कर सकता है, आयरन ऑक्साइड का जिंक रिडक्शन कर सकता है, जिंक ऑक्साइड प्लस में क्या होगा, आयरन, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया जिंक ने, रिडक्शन, खुद के ऊपर क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन, इसका क्या कर दिया, रिडक्शन। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन का क्या कर देगी, रिडक्शन, क्या करेगी, रिडक्शन, मतलब कि दूसरों का रिडक्शन होगा और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से हम इलिंगम डायग्राम में क्वेश्चंस करते हैं, सिंपली आपके पास क्वेश्चन आएगा क्या ये लाइन इस लाइन को रिड्यूस कर पाएगी, या ये मेटल इसको ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे राइज होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशन ऑफ इलिंगम डायग्राम। तो लिमिटेशन ऑफ इलिंगम डायग्राम में देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं, देखिए क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इट सजेस्ट ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन, इट सजेस्ट ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड विद पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट, बट नॉट सजेस्ट काइनेटिक, मतलब कि स्पीड काइनेटिक ऑफ दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले लिमिटेशन ये थी, ये एक्सप्लेन करता है पॉसिबिलिटी है, मतलब कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बट ये सजेस्ट नहीं करेगा कि रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशन देखिए, सेकंड लिमिटेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखिए तो सेकंड लिमिटेशन हमारे पास क्या है, अप्लाइड फॉर इक्विलिब्रियम, अप्लाइड फॉर इक्विलिब्रियम, सो नॉट ऑलवेज
अप्लाई बिकॉज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चेंज। तो अगर हम बात करें ये इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होगा, ये जनरली अप्लाई नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे नॉट ऑलवेज अप्लाई टू इक्विलिब्रियम सिचुएशन बिकॉज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चेंज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, नेम है इस प्रोसेस का हेल हेरोल्ड प्रोसेस। इसमें जनरली हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि आपको काफ़ी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास बात है कि भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उसको लेकर के चलना है हमें। देखिए तो Al2O3 जो है ना, Al2O3 बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये दो प्रॉब्लम है। अब एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है ना हमारे पास, कौन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको गुड कंडक्टर बनाना पड़ेगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इसको मेल्टिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो इन दोनों सिचुएशंस को हमें कैसे टेक ओवर करना है, देखिए हम लोग यूज़ करेंगे क्रायोलाइट Na3AlF6। ये क्रायोलाइट है और हम लोग इसके साथ फ्लोरोस्पार भी यूज़ करते हैं। CaF2 क्या होता है, फ्लोरोस्पार इज यूज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोग एक बात कर लेते हैं, देखिए हमारे पास जो Na3AlF6 है प्लस में कैल्शियम का फ्लोराइड है जिसको हम फ्लोरोस्पार बोल रहे हैं, ये क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार दोनों के दोनों यूज होते हैं किसको, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी इसके अंदर, टू इंक्रीज़ द कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है इसके अंदर, इन दिस प्रोसेस मोल्टन मास इज टेकन इनटू आयरन टैंक। इसमें हमें क्या लेना है, मोल्टन जो हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड लेना है, टेकन यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। क्या यूज़ करनी है, कार्बन की इलेक्ट्रोड यूज़ करनी है। देखो आप कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज कन्वर्टेड विद द लेयर ऑफ पाउडर कोक टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड हीट लॉस एट 1173 केल्विन टेम्परेचर। द मोल्टन मेटल सेटल डाउन, जो मोल्टन मेटल होगा जो एल्युमिनियम का हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। एट बॉटम ऑफ द टैंक 99.9 ग्राम प्योर कार्बन एनोड रिप्लेस टाइमली, क्योंकि कार्बन एनोड जो है ना, ये कार्बन जो एनोड है ये टाइम टू टाइम क्या हो रही है, फिनिश होती जा रही है, रिप्लेस टाइमली बिकॉज 300 ग्राम ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड बर्न बाय ए सिंगल रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इतना कार्बन क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अब मैं इसके मैकेनिज्म को लेकर के बात कर लेता हूँ, इसमें क्या मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, इस रिएक्शन के अंदर किस तरह से एक एल्युमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। देखिए तो हमारे पास है इनिशियली जैसे Al2O3 है, इसको ब्रेक किया 2Al3 प्लस प्लस में 3O- का 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3O- का 2 कार्बन की जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन करेगी, तो क्या बनेगा, 3CO प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बार। अब 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही बार हुए, एल्युमिनियम 3 प्लस जो आयन है वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, ट्वाइस ऑफ एल्युमिनियम बना लेगा। तो फाइनली आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से हमने क्या गेट कर लिया, प्योर एल्युमिनियम, क्या गेट किया, प्योर एल्युमिनियम। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है। देखो अब आगे, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, कुछ भी नहीं है इसमें भी, काफ़ी सिंपल बातें हमें यहाँ पे करनी है। देखिए, इट इज़ यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ मोल्टन सॉल्यूशन स्टेट, या मोल्टन स्टेट हो या सॉल्यूशन की स्टेट हो, जनरली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा जी किसके बराबर होता है, -NF E0 ऑफ सेल। E0 क्या है हमारे पास,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या है ये? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या है ये? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे, देखो बेटा समझने वाली बात है, ई नोट की वैल्यू अगर हमारे पास माइनस है, अगर ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज होती है तो आप समझ लेना ये माइनस अगर यहाँ पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना ये, तो डेल्टा जी हमारे पास प्लस आ जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रही है, माइनस में हो रही है तो डिक्रीज हो रही है। अगर रिडक्शन डिक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा ना, ऑक्सीडेशन इंक्रीज करने का मतलब है मोर रिएक्टिव मेटल, क्या हो गया ये? मोर रिएक्टिव मेटल। और ई नोट अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो ये अगर आपके पास इंक्रीज होगा, अगर ई नोट पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? रिडक्शन इंक्रीज होगा। रिडक्शन जब इंक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। तो देखो जो मोर रिएक्टिव मेटल है ना वो तो लेस को रिप्लेस कर देगा। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कॉपर 2 प्लस आयरन। अब आयरन क्या है हमारे पास? मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो क्या हो जाएगा? आयरन 2 प्लस बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर हम ई नोट की वैल्यू रखेंगे, अगर ई नोट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव, तो आपको पता है रिएक्शन क्या होगी? नॉट फिजिबल। क्या होगी? नॉट फिजिबल, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी। अगर पॉजिटिव हो जाए, माइनस माइनस क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, तो रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल होगी। ठीक है, थैंक यू।